नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। कन्या राशि शुक्र का राशि परिवर्तन 28 मई से लेकर 22 जून 2021 किस्मत सवर जाएगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो इसका कन्या राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। कन्या राशि के जातकों, शुक्र ग्रह 28 मई 2021 को वृषभ राशि से निकलकर रात्रि 10:49 पे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि आपके दशम भाव पे गोचर करेंगे शुक्र ग्रह। तो यहां पर 22 जून 2021 तक रहने वाले हैं शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह वृषभ राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी हैं, तो ऐसे में कन्या राशि के जातकों इस समयावधि में 28 मई से लेकर 22 जून 2021 तक कन्या राशि के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो दोस्तों, ये जो प्रेडिक्शन है चंद्र राशि पर आधारित है, आप लोग इसे इसी आधार पर देखिए। दोस्तों, कन्या राशि के जातकों, अगर आपको आपकी राशि नहीं पता है, नहीं मालूम है, तो आप अपने नाम के राशि के ऊपर भी देख सकते हैं। जो आपका नाम है, पहला अक्षर पड़ता है पहले शुरुआत में, उसी के नाम पर आप देख सकते हैं। जैसे आपका पी नाम से अक्षर है तो आप कन्या राशि वाले जातकों आप देख सकते हैं, पी नाम वाले कन्या राशि में ही आते हैं। साथ ही वीडियो के अंत में खास कुछ उपाय भी बताएंगे हम कन्या राशि के जातकों आपके लिए। इसलिए कन्या राशि वाले जातकों, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए इसे आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। कन्या राशि के जातकों, वैदिक ज्योतिष में शुक्र को स्त्री ग्रह के रूप में देखा जाता है। शुक्र ग्रह सुंदरता, विलासिता, प्रेम, वाहन का सुख कारक एवं सुख साधनों के कारक एवं कंप्यूटराइज, जैसे कि अगर कोई कंप्यूटराइज कहते हैं या तो फिर कोई पेंटिंग वगैरह का काम करते हैं, इन क्षेत्रों में शुक्र ग्रह का प्रधानता माना गया है, कारक माने जाते हैं। शुक्र धन, संगीत, सौंदर्य, मनोरंजन, ऊर्जा, प्रेम संबंध की कामना से जुड़े हुए इन क्षेत्रों में शुक्र ग्रह की यानी संबंध रखते हैं, तो इन चीजों में इनका अधिकार होता है शुक्र ग्रह का। शुक्र ग्रह के कारण जीवन साथी, माता, प्रेम, विवाह संबंध, कला, मीडिया, फैशन डिजाइनर और फैशन पेंटिंग वगैरह के जो काम करते हैं, इनसे पता चलता है। शुक्रवार का जो दिन होता है यह शुक्र ग्रह के नाम से रखा गया है। रिश्ते, बच्चों के नाम या शादी के समय शुक्र ग्रह के प्रमुख भूमिका होती है। कुंडली में मजबूत शुक्र ग्रह आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, अभिलाषाएं प्रदान करता है। शुक्र ग्रह अगर सही स्थिति में हो, यानी कि अगर पंच महापुरुषों में से एक योग बना रहा हो या फिर उच्च का बैठा हो, या फिर हो सकता है आपके केंद्र त्रिकोण में अपनी स्वयं की राशि में बैठा हो, तो आपको जल्द यानी 30 वर्ष की उम्र के पहले ही वाहन का सुख और सुख साधनों में वृद्धि, विवाह में जल्दी यानी कि देरी नहीं होती और अनेक प्रकार के सुख सुविधाएं वैवाहिक जीवन में सुख और संपन्नता लाता है। और यदि शुक्र ग्रह कमजोर हो तो कन्या राशि के जातकों आपको संघर्ष के जीवन में भी करवा सकता है, संघर्ष करना पड़ता है जीवन में, परिश्रम करना पड़ता है, सुख साधनों में कमी आ जाती है, वैवाहिक जीवन में तनाव आ जाता है। शुक्र ग्रह 28 मई 2021 को रात्रि 10:49 में वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 22 जून 2021 तक इसी राशि में रहेंगे और इसके बाद कर्क राशि में गोचर कर जाएंगे। तो ये जो शुक्र का राशि परिवर्तन होगा, यहाँ पर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव पड़ने जा रहा है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो चलिए कैरियर और बिजनेस व्यापार की बात करें तो देखिए, कैरियर के मामले में अगर देखा जाए तो कन्या राशि के जातकों को बहुत अच्छी स्थिति रहने वाली है। साथ ही क्योंकि देखिए, आपके दशम भाव पे, आपके कर्म भाव पे शुक्र का गोचर हो रहा है, तो दशम भाव हमारे कर्म का होता है, कैरियर का होता है, बिजनेस व्यापार का होता है, तो इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ होगा। बिजनेस व्यापार का स्टार्टअप कर सकते हैं, नए सिरे से आप यानी शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत करते हैं, आपको बहुत लाभ होगा। और अगर कोई आपका व्यापार ठप्प पड़ गया था या पेंडिंग था, उस व्यापार में आपको लाभ होगा पुनः एक बार शुरुआत करेंगे तो। क्योंकि कन्या राशि को ये जो समय अवधि होगी आपके लिए बहुत लाजवाब रहने वाली है, कई तरह के आपके लाभ मिलने वाले हैं, कई तरह के प्रोजेक्ट मिलेंगे, पास होंगे, इससे समय अवधि में आपको बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनी रहेगी। धन आपका रुका हुआ फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, पेंडिंग जो आपके कोई इंपोर्टेंट डील थी वो फाइनल होंगी। साथ ही इसमें आपके किस्मत और भाग्य का साथ मिलेगा, क्योंकि यहां पर देखा जाए तो शुक्र ग्रह भाग्येश भी है, भाग्येश अगर दशम भाव पे चला जाए तो बड़ा राजयोग बनाता है, तो ये बड़ा राजयोग आपके लिए बहुत फलीभूत होने वाला है, इसलिए कहा किस्मत सवार जाएगी। तो कन्या राशि के आपको किस्मत और भाग्य का साथ मिल रहा है, नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति व प्रमोशन के योग बनेंगे, उच्च अधिकारियों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, किसी बड़ी यानी कंपनी से, मल्टीनेशनल कंपनी से ऑफर आ सकता है जॉब के लिए, जो कि आपके लिए काफी लाभदायक स्थितियां रहने वाली है। तो इन स्थितियों में आपको लाभ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा, इन स्थितियों का लाभ भी आपको उठाना चाहिए।
तो कन्या राशि के आपको ये जो स्थिति रहेगी, आपके दोस्तों का सहयोग प्राप्त होगा, आपके घर परिवार का सहयोग और सपोर्ट प्राप्त होगा, और इसमें आपके यानी कि बिजनेस व्यापार में घर वालों का सहयोग प्राप्त होगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही इसमें अपने यानी दम पर बिजनेस व्यापार में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। कोई फाइनेंशियल डीलिंग यानी प्लानिंग कर सकते हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस व्यापार में, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही धन से जुड़ा हुआ मामला आज यानी कि मिलता हुआ नजर आएगा 28 मई से लेकर 22 जून तक के समय अवधि में, और यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कन्या राशि के जातकों। साथ ही दाम्पत्य जीवन में खुशियां रहेंगे, एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि प्यार में और मजबूती आएगी और संतान की प्रबल योजनाएं बन रही है। संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन्न रहेगा, संतान की तरक्की से मान सम्मान व समाज में कद बढ़ेगा, रुतबा बढ़ेगा। लेकिन संतान की चाहत अधूरी थी, तो अब संतान की चाहत पूरी होती नजर आएगी और आपके घर में एक नन्हे से मेहमान का आगमन हो सकता है। वहीं प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में काफी यानी नजदीकियां रहेंगी, इस बार बहुत अच्छी स्थिति रहेंगी। अगर पहले कुछ दूरियां थी तो एक बार फिर से नजदीकियों में तब्दील होगी और एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, शादी वगैरह की चर्चाएं हो सकती है। कन्या राशि के जातकों बहुत बेहतर यह स्थिति रहेगी कि जो अविवाहित जातक है उनके विवाह तय होते नजर आएंगे और विवाह होते नजर आएंगे, आपके घर में खुशियों का माहौल होगा, शुभ मंगल कार्यक्रम हो सकते हैं, शादी विवाह हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है। तो कन्या राशि के जातकों एक तो घर परिवार का माहौल अच्छा रहेगा, घर परिवार वालों के साथ खुशनुमा माहौल और जीवन बिताते हुए नजर आएंगे। कन्या राशि के जातकों ये जो स्थितियां रहेंगी आपके पक्ष में रहेंगी, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थी अगर मन लगाकर पढ़ाई करते हैं, अगर यहां पर फोकस करे रहते हैं अपने पढ़ाई लिखाई पर, तो आपको 100% सफलता भी आपको मिलती नजर आएगी। अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप दिन रात डटे रहिए, सामने एग्जाम की तारीखें डेट यानी फिक्स हो सकती है, तो आपको पहले से तैयारी करनी है, और किसी खास रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा, और यानी 28 मई से लेकर 22 जून तक के बीच में बेहतर यानी रिजल्ट आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। सेहत में शानदार सुधार देखने को मिलेगा, सेहत संबंधी जो प्रॉब्लम चल रही थी या फिर किसी प्रकार का डर और भय का माहौल था वो दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी कन्या राशि के जातकों सेहत में यानी कि जबरदस्त लाभ होगा, योगाभ्यास जरूर करें और अपने रूटीन में शामिल करें। साथ ही वाहन का सुख प्राप्त होगा, वाहन की खरीदारी कर सकते हैं, घर की शुरुआत कर सकते हैं, घर जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी की खरीदारी कर सकते हैं या फिर इन क्षेत्रों में निवेश कर सकते हैं कन्या राशि के जातकों। आप और कोई इंपॉर्टेंट डील फाइनल रुकी थी जमीन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वो आपके पक्ष में आती हुई नजर आएगी। कोर्ट कचहरी के मामले में आपके पक्ष में आता हुआ नजर आएगा। शत्रु भी आपसे भयभीत रहेंगे, शत्रु विरोधी आपके कदमों पर होंगे, इसमें आपकी विजय सभी क्षेत्रों में होगी, सामाजिक क्षेत्र में और सब क्षेत्रों में, तो संतान की तरक्की के योग बन रहे हैं। अगर हम उपाय की बात करें तो खास उपाय यह है कन्या राशि के जातकों की आपको ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करना है 28 मई से लेकर 22 जून तक के दरमियान, और आप शुक्रवार के दिन भोलेनाथ को शिवलिंग पर मिश्री अश्वीर चावल चढ़ा दें और आप विष्णु सहस्त्र स्त्रोत का पाठ करें और कोशिश करें कि आप किसी गरीब निर्धन को आप शुक्रवार के दिन सूर्योदय से पहले अगर किसी मंदिर में जाके कुछ दान कर दें, जैसे दूध का दान कर दें, सफेद वस्त्र का दान, चावल का दान कर दें, मिश्री का दान कर दें, तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। तो कन्या राशि के जातकों यह था आपके लिए शुक्र का राशि परिवर्तन के चलते यानी 28 मई से लेकर 22 जून 2021 तक का राशि फल। तो दोस्तों जाते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करिए। जय शनि।